हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकेंड लेसन वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड फॉर्मूलाज फॉर वर्क डन। तो ये जो है ये फिजिक्स का लेसन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन देखेंगे लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में देखने जा रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वर्क से रिलेटेड कुछ बताइए, वर्क की डेफिनेशन बताइए, या फिर वर्क यानी क्या होता है आप बताइए, तो आपके माइंड में सिर्फ आता है कि हाँ वर्क यानी काम होता है। सबके माइंड में यही आएगा कि वर्क यानी काम। सो विच टाइप ऑफ वर्क, तो वर्क में भी आप बोलोगे होमवर्क, क्लीनिंग योर रूम, मतलब अपना घर साफ करना। और अभी मैं जो वर्क कर रही हूँ, मेरा काम है आपके लिए वीडियोज़ बनाना, तो मैं भी काम कर रही हूँ। लेकिन वर्क मतलब किस टाइप के वर्क आते हैं, तो उसमें भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। जैसे अगर आप लोग रीडिंग कर रहे हो, मतलब आप लोग स्टडी कर रहे हो, या फिर आप लोग टीवी देख रहे हो, आप लोग कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क आते हैं। तो अगर आप लोग टीवी देख रहे हो तो क्या आपको कोई बोलेगा कि आप काम कर रहे हो करके? कोई बोलेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो खाली टीवी देख रहा है। जबकि आप लोग उस वक्त भी वर्क कर रहे होते हो, और वो वर्क है मेंटल वर्क। तो टीवी देखते समय, स्टडी करते समय आप लोग मेंटल वर्क करते हो। उसी तरह अगर आप बैट बॉल खेल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो तो उस वक्त, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त आप लोग फिजिकल वर्क कर रहे होते हो। कुछ अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो तो आप फिजिकल वर्क कर रहे होते हो। मतलब वर्क में भी फिजिकल एंड मेंटल दो टाइप के वर्क होते हैं। तो फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि वर्क तभी होता है, फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क किसे कहा जाता है कि वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट एक बुक के साथ करके दिखाती हूँ। एक बुक मैंने ले ली है। अब इस बुक को मैं इस तरह से मैं होल्ड कर रही हूँ, तो अब इसके साथ कुछ वर्क हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब ऊपर लिफ्ट कर रही हूँ, तो बुक यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गई, अपने आप थोड़ी गई बुक। तो कैसे गई? उस पर मैंने अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और बुक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर हमारी ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो जाती है कि वर्क इज सेट टू बी डन। अब हम बोलेंगे वर्क हुआ है, वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क हुआ है कब बोलेंगे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ गया? तो इसका फॉर्मूला भी इसी हिसाब से क्लियर हो जाता है कि फोर्स अप्लाई किया यानी एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी एस। तो इसका फॉर्मूला हमारा होगा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग स्मॉल एस लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू एफ एस। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बुक का एग्जाम्पल दिया था, बुक पर फोर्स अप्लाई किया और बुक शिफ्ट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहाँ पे मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया है, फोर्स हम लोग ले लेते हैं 10 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये लगभग हो सकता है 40 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं, एक अंदाज से ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स 10 न्यूटन ले लेते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 सेंटीमीटर। तो हम ये वैल्यू हम लोग वर्क के फॉर्मूले में डालते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर। तो SI सिस्टम में क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है।
तो हमको इस 40 को 40 को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 0.4 मीटर ये कन्वर्शन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 0.4 ले लेते हैं मीटर। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आता है 4 न्यूटन मीटर। और एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 जूल। वर्क इज इक्वल टू 4 जूल। ओके, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। तो अब हम लेते हैं, अब ये जो एग्जांपल था ये कौन सा था, जो मैंने बुक, जो फोर्स बुक पर अप्लाई किया, बुक पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ था। तो क्या ये पॉसिबल है कि फोर्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और उसका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो, क्या ये पॉसिबल है? ये हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि फोर्स कहीं और अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रही है। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अभी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब बुक का मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि बुक को जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बुक लिफ्ट हुई थी। उसी तरह यहाँ पर मेरे पास एक टॉय है, उसे मैं एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने जा रही हूँ, तो ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, यानी दोनों अपोजिट, मतलब फोर्स कहीं और मैं अप्लाई कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट कहीं और, ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इस रस्सी को खींच रही हूँ, फोर्स मैंने ऊपर की ओर अप्लाई किया है और मैं खींच रही हूँ, तो ये जो टॉय है इसकी डिस्प्लेसमेंट कहीं और डायरेक्शन में हो रही है, ये ऊपर की ओर नहीं खींची जा रही है। तो इससे ये क्लियर होता है, इट इज़ पॉसिबल दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, तो उसे हम लोग थीटा ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट की साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, और उस हाइपोटेनियस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, तो F, यहाँ पर हम लोग F लेंगे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है क्योंकि फोर्स इस टॉय पर अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए इस F का F1 कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। अब इसे हम बोर्ड पर समझेंगे कि इसका थीटा का क्या एंगल, यहाँ पर इसमें कितने केसेस होते हैं, किस केस में कौन सा एंगल फॉर्म होता है, तो वो अब हम बोर्ड पर देखेंगे। तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा है उसे हम अभी बोर्ड पर समझते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखा था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये सेम डायरेक्शन में है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके भी बताया, अब उसे हम बोर्ड पे समझेंगे कि यहाँ पर जो है फोर्स मैंने इस तरह अप्लाई किया है, ये है टॉय, तो टॉय पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक लाइन निकालते हैं, हमें ये साइड तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई होता है, तो वो क्यों, हमको फोर्स, जिस साइड में फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो साइड हमें पता है, ठीक है। तो वो है F, हमने ले लिया और उसका कंपोनेंट F1
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे एफ का कंपोनेंट मतलब एफ वन बोला गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस है, यहाँ पर एक थीटा एंगल फॉर्म हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से हमें एडजेसेंट साइड को बेस बोला गया है और हाइपोटेनियस हमें पता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस थीटा बेस क्या दिया है, एफ वन है, तो एफ वन अपॉन एफ, हाइपोटेनियस एफ है तो एफ वन अपॉन एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ वन इज इक्वल टू एफ, इधर चला जाएगा तो एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब दस द वर्क डन बाय एफ वन इज, तो एफ वन ने जो वर्क किया है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टॉय का, उसे हमें निकालना है। एफ वन का हमारा फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा, तो इसे हम अपने वर्क के फॉर्मूले में रखेंगे, और हमारा वर्क का फॉर्मूला है एफ एस, तो एफ एस को मैंने एफ वन ले लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्क वहाँ पर हुआ है, इस साइड में नहीं, ये साइड में वर्क हुआ है, इसीलिए एफ वन लेंगे हम लोग। तो एफ वन का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा को पुटअप करो यहाँ पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस, यहाँ पे ये एस, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर थ्री कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर थ्री टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क होता है, तो उसे हम डिफरेंट एंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो हम केस वन में देखेंगे कि अगर थीटा हमें ज़ीरो डिग्री दिया गया है, तो मतलब कॉस थीटा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, तो अब ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में अगर डालेंगे हम, तो कॉस थीटा वन हो गया, वन इंटू एफ एस, तो कितना आंसर आएगा, एफ एस ही आएगा ना, एफ एस इंटू वन, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख सकते हो या फिर ये कंक्लूजन लिख भी सकते हो वर्ड में, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, ऐसा आपको यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 90 डिग्री थीटा, हमें 90 डिग्री पुट अप करना है, तो 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होंगी, ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यू दी गई है आपको, कॉस 90 की वैल्यू है ज़ीरो। अब यहाँ पर आप अगर ज़ीरो रखोगे, ये पूरे कॉस थीटा की जगह ज़ीरो अगर डालते हो, और ज़ीरो से अगर आप एफ एस को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। जब किसी नंबर से ज़ीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है, मतलब यहाँ पर क्या वर्क हुआ है, यहाँ पर ज़ीरो वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप बोलोगे कि कैसे ज़ीरो वर्क हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, जब हम कोई भी बैग कैरी करते हैं और उस बैग को हम इस तरह से कैरी करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और हम चल रहे हैं कहीं पर, मार्केट में जा रहे हैं, तो हमने उस बैग पर अपना फोर्स अप्लाई किया है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अदर डायरेक्शन में है, मतलब नीचे की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक परपेंडिक्युलर क्रिएट हो रहा है, और परपेंडिक्युलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, कॉस 90 मतलब ज़ीरो होता है, तो आंसर जो है उसका ज़ीरो, मतलब यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं हुआ, मतलब इसका ज़ीरो वर्क, तो यहाँ पर कंक्लूजन आएगा ज़ीरो वर्क। नेक्स्ट है 180, हमें वैल्यू लेना है थीटा 180, तो कॉस थीटा अगर 180 लेते हैं तो कॉस 180 मतलब माइनस वन, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में दिया है, माइनस वन होता है। अब 180 को इस कॉस थीटा की जगह रखो, कॉस 180 मींस क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एफ एस कितना होगा, माइनस एफ एस होगा,
मतलब यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर 180 का एंगल क्रिएट हो जाता है, और कॉस 180 मतलब होता है माइनस वन। तो माइनस वन को कॉस 180 की जगह माइनस वन अगर हम रखते हैं तो एफ एस इंटू माइनस वन माइनस एफ एस आंसर आता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है? निगेटिव वर्क हो रहा है। तो इस तीनों कंक्लूजन से आपको पॉजिटिव, ज़ीरो वर्क एंड निगेटिव वर्क के बारे में भी आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब इस सेशन के जो टॉप 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पर लिख के देती हूँ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।